हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा, नर्सरी टू क्लास 9, दरभंगा समस्तीपुर रोड पोवरिया बिशनपुर दरभंगा। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2023-24, अ डे एंड रेसिडेंशियल स्कूल। इंटरनेशनल फैसिलिटीज विथ इंटरनेशनल करिकुलम, फर्स्ट वर्ड प्ले स्कूल, अ यूनिट ऑफ FWPS प्राइवेट लिमिटेड, प्ले ग्रुप 2 स्टैंडर्ड 2, नियर भंडार चौक कटहलबाड़ी एंड वासुदेवपुर दिल्ली मोड दरभंगा। एडमिशन ओपन। दांत अस्वस्थ तो शरीर स्वस्थ कैसे? बेहतरीन डेंटल सेवाएं अब एक स्थान पर, MN डेंटल हॉस्पिटल, चौधरी कॉम्प्लेक्स अललपट्टी दरभंगा। हेयर इम्प्लांट एंड कॉस्मेटिक सेंटर, अपोलो डायग्नोस्टिक्स एंड डिजिटल एक्सरे। ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ अप टू क्लास 12, PKM इंस्टीट्यूट भगवान दास नियर JP चौक दरभंगा। केवल 3,600 रुपए में सभी विषयों की पढ़ाई पूरे साल भर अनुभवी शिक्षकों द्वारा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल PKM इंस्टीट्यूट को। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 4 अपराधियों को दबोचा, 3 बाइक, लोडेड पिस्टल समेत कई हथियार बरामद। यह बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिलने की खबर है। बरूराज थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 अपराध कर्मियों को रंगे हाथ दबोचा है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गिरफ्तार अपराधी शहर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, इसलिए सभी एक जगह इकट्ठा हुए थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और बड़ी घटना होने से बचा लिया। पूछताछ में सभी की पहचान बरुराज थाना क्षेत्र के चैनपुर कथौलिया के रहने वाले रोहित, आजाद, अभिषेक और महम्मदपुर गंग के छोटू सिंह के रूप में हुई है। सभी पकड़े गए अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी पुलिस खंगाल रही है। पूछताछ में कई अहम सुराग पुलिस को हाथ लगे हैं। पकड़े गए अपराधकर्मी लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में इकट्ठा हुए थे। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार DSP पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पूछताछ में कई अहम सुराग पुलिस को हाथ लगे हैं। पुलिस टीम उसके बताए सुराग को खंगाल रही है। पकड़े गए अपराधकर्मी एक बार ही लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, संभवतः किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। सभी अपराध करने इकट्ठा हुए थे और किसी लूटपाट की बड़ी घटना को अंजाम देंगे इस तैयारी में थे। इसके बाद आनन फानन में बरुराज थानाध्यक्ष संजय दुबे को जब खबर मिली तो उन्होंने अपने वरीय अधिकारियों को घटना से अवगत कराते हुए लोकेशन पर दल बल के साथ घेराबंदी कर ली और सर्च अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान 3 बाइक सवार 4 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा।